कुछ नहीं बाकी रह गया इन माई लाइफ, और आज हम करने वाले हैं फाइंड माई वाइफ। तूने बोला था मेरी फाइंड माई वाइफ करनी है। हाँ, मुझे ना आलिया भट्ट जैसी बीवी चाहिए। डोंट गेट कैरिड अवे, मतलब मुझे अपनी जो है बीवी उसको ही ढूंढना होगा। हमें नई बीवी नहीं मिलेगी, कुछ यूट्यूबर का होता है नसीब, हमारा उतना अच्छा नसीब है नहीं। मेरे तो अरमान थे कि मेरी भी दो वाइफ हो यार। समझ रहे हो, समझ रहे हो? तुझे पता है ना ये सारी बातें बैक स्टेज पे अक्षरा सुन रही है। हो गया अभी? हाँ। चलो शुरू करते हैं। यस। तो आज के चैलेंज में होने वाले टोटल 5 राउंड्स, और यहाँ पर खड़ी है टोटल 7 लड़कियां। कोई तो एक है अक्षदा। उमेश को हर एक राउंड में पहचानना है उसकी बीवी कौन है या नहीं है। मैं तो इतना करने का जरूरत ही नहीं है, मैं तो तुरंत पहचान लूंगा कि अक्षदा कौन है। कैसे सब लोग तो अक्षदा जैसे दिख रहे हैं, ऐसे कैसे अक्षदा? कल से मैं सारा टॉवल नहाने के बाद बेड पे डाल दूंगा। चलेगा? चलेगा, चलेगा, चलेगा। तो सब लोग हाँ बोल रहे हैं, तो एक काम करते हैं, राउंड 1 स्टार्ट ही कर देते हैं। तो अभी इस राउंड में उमेश को खाना है वो चीज जो अक्षदा उसे रोज खाने देती है, आइसक्रीम। यार मुझे कब से खानी थी, मजा आएगा। चलो आइसक्रीम नहीं, मार खानी है बेटा, ऐसी मार खाएगा ना। अरे इन सब लोगों के सामने क्यों बोल रहा है अक्षदा मुझे मारने? नहीं नहीं, अक्षदा मुझे मार के उन लोग के सामने छोड़, अभी पूरी दुनिया के सामने तुझे मार खानी है। और उमेश को थप्पड़ पड़ने वाले है, उसे उस थप्पड़ से गेस करना है अक्षदा कौन है। और हर एक पड़ने वाली थप्पड़ पे हमें चाहिए 50,000 लाइक्स। या भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैं क्यों थप्पड़ खाऊंगा? चलो आ जाओ शुरू करते हैं। अरे यार, अरे क्या कर रहा है तू? बस रेडी कर रहा हूँ जहाँ पे मार खानी है तुझे। एक सेकंड, यहाँ पे मार खानी है। टेस्ट शॉट ट्रायल। चलो फर्स्ट कंटेस्टेंट आ जाओ, मारो। ये सब नहीं चलने वाला चापलू से। कोई रैम नहीं कर रहा है। Oh, no. देख मैं शोर हूँ, इसमें से 1 नंबर है इसने तो मुक्का ही मारा, ये पक्का अक्षदा हो सकती है। ये 7 नंबर वाली इसने मेरे को सुला दिया, और ये 6 नंबर वाली इसने मेरे को रुला दिया, बहुत जोर से मारा था यार। और मुझे लगता है ये 2 वाली शायद तो हो सकते हैं, क्योंकि इसने बहुत स्लोली मारा था। 5 नंबर वाली ने भी मुझे जोर से नहीं मारा, और ये 4 नंबर वाली ने भी पता नहीं शायद, तो यस। बट ये इसने तो मेरे को सिर्फ ऐसा मारा, पता क्या? तो ये लड़की है जो एलिमिनेट हो गई है, और मुझे देखना ही है कौन है। 3 नंबर वाली आ जाओ यहाँ पर। तो ये आ गई हमारी 3 नंबर वाली अक्षदा, अपना मुंह दिखाइए प्लीज। ये अक्षदा नहीं है। नहीं है तो आप एलिमिनेट हो सकते हो। ओके, टाटा बाय बाय। चलिए आप जा सकते हैं, नमस्ते। चलो चलो चलो, कुछ क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, आगे गेम खेलते हैं, चलो। तो इस राउंड में मैंने तुम सबके सामने रखा है रोटी बनाने का यंत्र, तो अभी इससे मार खाएगा तू? अरे संकेत, हमारा रेसलिंग का कंपटीशन नहीं है, बीवी को ढूंढने का कंपटीशन है। तो क्या करना है इससे? तो इनमें से जो मेरी अक्षु है ना, वो एकदम परफेक्टली गोल रोटी बनाती है। परफेक्टली गोल, तो जो भी परफेक्टली गोल रोटी बनाएगा वो बच जाएगा, बाकी एलिमिनेट हो जाएगी। चलो बनाना शुरू करो, स्टार्ट। बना
रहे हैं सब बना रहे हैं। नक्शा आ रहा है, इंडिया का नक्शा आ रहा है। मार खाएगा मुझे तो यही अक्षता लग रही है। बात बात में धमकी दे रही है मेरे को। आजा 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 सबकी देखते हैं। आजा आजा आजा। माय गॉड सब लोग एकदम मस्त रोटी बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं झूठ बोल रहा था। अक्षता सबसे गंदी रोटी बनाती है। वो शेफ तो कभी अक्षता से हो ही नहीं पाता है। अच्छा इसलिए आग मारी थी। चलो तो पहले मतलब गंदी रोटी बनाएगा वही अक्षता होगा। ये देखो इसने तो खराबी बनाई है। मछली दिख रही है यहाँ पर। आग बना दे ये कर दे मछली हो गई। मछली हो गई ये डाउट है इसका नक्शा यार। ये देखो मिकी माउस। मिकी माउस ठीक है काइट के दिवाली का वो होता ना। ओ गोल रोटी बनाई है ये अक्षता नहीं है। इतनी गोल रोटी देखी है जब से मेरी शादी हुई है मैंने तो कभी ऐसी रोटी देखी नहीं है। तो इसका मतलब अभी ओके और साथ में से कोई तो एक एलिमिनेट होने वाली है। यस अपने खूबसूरत चेहरा दिखाओ। मुझे लगता है कौन ये क्योंकि इसकी सात एलिमिनेट क्योंकि वो गोल। मुझे अपनी प्यारी सी शक्ल दिखाई। ये क्या है अबे ये लड़की को दाढ़ी कैसे आ गई। चलो ये तो हो गया एलिमिनेट। नेक्स्ट राउंड नेक्स्ट। ओके तो ये हो चुके चुकी नहीं है ये चुका था ये चुका है एलिमिनेट। ओके तो अभी नेक्स्ट राउंड में मैं क्या करने वाला हूँ। अभी मैं मार खा रहा तो अब मैं मसाज कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है। मैं मसाज करवाने वाला हूँ। कपड़े अच्छा था ना। बहुत अच्छा मसाज कर दिया। झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो देखते हैं कि आप कौन अच्छा मसाज करती है। तो आपको ये टेबल देख के अंदाजा आ ही गया होगा कि हम यहाँ पर करने वाले हैं कपड़ों की धुलाई। धोबी करने वाला है और अभी हम अपने गीले कपड़े सॉरी उमेश को बुलाते हैं धुलाई यानी मसाज करने के लिए। आ जाओ। ए धोबी किसको बोला तूने। धोबी तू नहीं है तू कपड़ा है। ये देख बुलाने वाले। मैं अपने मसाज के कॉस्ट्यूम में आ गया हूँ। आ जाओ अब मैं लेट रहूँगा। सो जाओ। लाओ मसाज करने के लिए पहला कंटेस्टेंट। आ जाओ यार। वाह 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 मजा आ रहा है। मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा है। गाइस इतना अच्छा मसाज हो रहा है कि उमेश सो गया है यहाँ पर। नंबर टू को बुलाते हैं। नंबर टू कम प्लीज मसाज कीजिए। अबे क्या कर रही है। मेरी माँ मुझे माफ कर तू जा दूसरे को बोला। तो नंबर फोर हमारे इस कपड़े को धो दीजिए। ये चैलेंज कभी खत्म ना हो यार। ओह वाव। बस बहुत हो गया। उमेश ने बहुत एंजॉय कर लिया। निकल जाओ यहाँ से। चलो नंबर पांच प्लीज। मार दीजिए इसको। तो नंबर सिक्स मसाज कर लो। ये क्या कर रही है। अबे मसाज करने बोला था। ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है। मार दीजिए इसको। अरे उतर जा। अरे उतर जा भाई। बंद कर मेरी माँ। मेरी माँ उतर जा। कहाँ से लाई थी कराटे वाली। हे भगवान जिंदा तो है ना। तो ये दो और ये छह ये दोनों ने मुझे बहुत धोया। अरे इतना अच्छा मसाज तो कर रहे थे मुझे तो बहुत मजा आया। यार बुला उन दोनों देवियों को। ए देवियों मुझे माफ करना कुछ गलती हो गई होगी। तो दोनों को कराटे और मार्शल आर्ट बहुत अच्छा था। जरा अपना चेहरा तो दिखाओ। आप भी दिखाइए अपना चेहरा। धोखा ये क्या चल रहा है यहाँ पर। मुझे उठा उठा ये पटक रहा था क्या तूने। यस अक्षदा एक माँ है तो उसे क्या है बच्चे को डायपर पिलाना एकदम अच्छे से आता है। तो हमने क्या किया है संकेत को बोला है कि एक डायपर और एक बेबी डॉल लेके आना जो संकेत लाया है और अभी हम वो टेस्ट करेंगे। राइट एक मिनट क्या बोला तू। मैंने डॉल लाई है। तुझे तो बोला था बेबी डॉल लाने को। ये देख मैंने तो डायपर लाया। डॉल डॉल कब बोला था तूने। तो डायपर कौन पहनेगा। ठीक है तुझे पहनाएंगे। मैं क्यों पहनूंगा यार। अरे तेरी बीवी ढूंढनी है तुझे पहनाएंगे। तो कंटेस्टेंट आओ डायपर पहनाओ। व्हाट्स योर नंबर व्हाट्स योर नंबर योर नंबर वन। ये मुक्के वाली है क्या। मुक्के वाली पहनाओ। डायपर पहनाया जा रहा है ऐसे कर।
कर। मैं तो बोलता हूँ उमेश को ना ये डायपर पहना कर बाहर भेज देना चाहिए, क्या बोलता है? इसके बाद ना मैं फाइंडिंग माय फ्रेंड करने वाला जहाँ पे नया दोस्त ढूंढने वाला, सोच रही अपने। क्या डायपर पहना है? मुझे आज फील हो रहा है कि मायरा और शरीर को कैसा फील होता होगा मतलब कि डायपर पहन। तो तू क्या अभी चड्डी में कर देगा? चलो नंबर फोर आ जाओ। शुरुआत बेटी, तुझे 100 पुत्र हो। तो जब तक ये झूठी मूठी जो भी अक्षदा है डायपर बना रही है, तब तक मैं आपको सब्सक्राइबर ऑफ द वीक बताता हूँ। सब्सक्राइबर ऑफ द वीक है आयशा। क्लैप हो जाए, क्लैप। कितने अच्छे तरीके से डायपर पहनाया है, एकदम प्रॉपर डायपर है आपका। डायपर नंबर 5 प्लीज पहना दीजिए। क्या चल रहा है? अरे चिपकाना होता उसको। यहाँ पर डायपर के ही टुकड़े टुकड़े हो गए, ये क्या पहनाएंगे? प्लीज आप जाइए। इस डायपर की जिंदगी बस इतनी थी। लड़की ने मुझे अच्छे से डायपर नहीं पहनाया, मतलब ये मोम नहीं है, मतलब मार देते हैं। अक्षदा नहीं है इन दोनों में से कोई, तो शायद हो सकती है या देखते हैं। चलो ये सब इतना अच्छा अच्छा वाला खाना तूने यहाँ पर किया है, क्योंकि अक्षदा और मैं जब फर्स्ट डेट में गए थे तो हमने क्या खाया था ये चीज सिर्फ अक्षदा और मुझे ही पता है ना, इसलिए अक्षदा और मैं जब गए थे तब हमने फर्स्ट टाइम खाया था ये। अब ये चीज पूछ लेते हैं उनसे, उनको बुलाते, बैकस्टेज से बुलाते हैं। चलो तो तुझे बताना है कि तूने और मैंने फर्स्ट डेट में क्या खाया था। ओ, वॉफल उठा है। चलो अब दूसरे को बुलाते हैं। तो बता हमने फर्स्ट डेट में क्या खाया था? मुझे लगता है गोलगप्पे होंगे। तो अभी दोनों को बुला लेते हैं। ओके, तो दोनों ने अपना खाना सिलेक्ट कर दिया है और दोनों में से विनर है ये या ये। ये मैं श्योर हूँ अक्षदा ही है। प्लीज निकालो 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 निकालो। तो ये कौन है? अरे प्रीति, वाह वाह, देखा पहचान लिया। समझ में नहीं आ रहा है कि अक्षदा को तो वैफल पसंद है और तुम तो हमेशा वैफल खाते हो। सुनो हम क्या हुआ था, जब हम दोनों मिले थे फर्स्ट डेट के लिए तब मैं मंदिर जाके आया था तो मेरे पास लड्डू था, तो अक्षदा और मैंने लड्डू खाए थे क्योंकि सब का लड्डू मिला था फ्री में। एक्चुअली अक्षदा को तो वॉफल खाना था बट मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं लड्डू खा के घूम डाल गया था। तो ये अक्षदा को पहचान लिया और इसी खुशी में हम लोग करने वाले हैं पार्टी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताना हमें इसके बाद गेस द क्या करना चाहिए, गेस द फ्रेंड या गेस द कुछ और। तो चलो अभी हम खाते हैं। अरे हमें भी दो। वही तो, अरे अक्षदा हमारे लास्ट डेट में भी तो लड्डू खा ले क्योंकि इसका मर जा।